कृष्णा गिर गौशाला में मेरा अभी फिर से एक बार यहाँ पे आगमन हुआ है। पहले मैं इस समय नहीं मेरे पास था, तो मैं यहाँ से इस गौशाला के सामने से मैं निकल गया था पिछली बार जब मैं आया था। लेकिन अभी मैं आया हूँ तो मैं एक बार वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये कृष्णा वंक के नाम से ये गाड़ी है यहाँ पे, और जो इसके संचालक हैं विजय वंक जी हैं, जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं गिर गौ माता के लिए। मन रावण वाटिका, गौशाला के परिसर में साफ सफाई बहुत अच्छी है, और जिस तरह से यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग की गई है गौशाला के दीवारों की, वो देखने लायक है। यहाँ पे जो पानी है, स्टोरेज पानी है, ये गायों के लिए है। ये बहुत ही अच्छी कलाकृति यहाँ पे है, ये देखिए। यहाँ पे अगर आप आते हैं गौशाला में, तो यहाँ बैठने की जगह बनी हुई है। और आइए मैं आपको थोड़ा गौशाला का भ्रमण कराता हूँ। बहुत ही सुंदर गौशाला है ये। यहाँ पे घोड़ा का पालन भी हो रहा है। ये देखिए दो घोड़े हैं यहाँ पे, बिल्कुल सफेद एक घोड़ा है, वाइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे गिर गौ माता आराम फरमा रही हैं। दोपहर का समय है, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। साफ सफाई बहुत अच्छी है यहाँ पे, और ये कार्यालय है। जो लोग हमारे जैसे अतिथि लोग आते हैं, तो विजय भाई यहाँ पर उन लोगों से बातचीत करते हैं। कार्यालय भी बहुत सुंदर बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं गौशाला में, और भी देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे और क्या है। 400, कम से कम 400 से भी ज्यादा यहाँ पे गिर गौ माता है, और बहुत बड़ी गौशाला है ये। देखिए इस बाड़े में भी गौ माता आराम फरमा रही हैं। यहाँ पे भी गौशाला के परिसर में छोटे नन्हे गौवंश हैं, ये देखिए। ये गौशाला का मेन गेट है, जो मेन द्वार कहते हैं। और इस बाड़े में अभी सफाई की गई है, तो सारे गायों को शिफ्ट किया गया है दूसरी बाड़े में, शेड्स में। सामने भी ये शेड्स है गायों का। गायों के लिए यहाँ पे भूसा गोदाम भी है, और भंडारण किया गया है यहाँ पर कट्टे कट्टे बोरियों में इस तरह से दाना। ये दूध की टंकियां हैं, जिसमें गौ माता के दूध को यहाँ के जो ग्वाले भाई हैं इसमें भरते हैं, और फिर डिलीवरी बॉय दूध को डिलीवर करते हैं।
ये श्री कृष्णा गौशाला की गाड़ी है, इसमें जो है गायों को ले आते हैं। यहाँ पे एक नंदी महाराज जी आराम फरमा रहे हैं। और बहुत ही सुंदर ये यहाँ का ये दरवाजा है, गेट है। वीडियो को मैं यहीं विराम देना चाहूंगा। जय गो माता।